हेलो फ्रेंड्स, अज आप लैक्चर नंबर 5 दे विच अमीबा दे बारे पढ़ांगे। अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोजनहॉफ एंड ही नेम्ड इट लिटिल प्रोटियस। अमीबा नू सब तो पहला रोजनहॉफ ने डिस्कवर किया सी ते उन्हां ने इनू लिटिल प्रोटियस दा नाम दिता। इट लिव्स एवरीवेयर, ये हर थां ते पाया जांदा जिवें फ्रैश वाटर पॉन्ड्स, मड दे विच ते डेड एंड डीके मैटर। ये फ्री लिविंग हुंदा ते क्रिपिंग मूवमेंट्स नू शो करदा। ये ओमनिवोरस है, मीन्स ये प्लांट्स ते एनिमल दोनों नू फीड कर लेंदा। इट चेंजेस इट शेप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया नू बना के अपनी शेप नू चेंज कर लेंदा। नो डिफरेंशिएशन इन डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। जे आपां अमीबा नू देखांगे तां आपां नू डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर ते पोस्टीरियर साइड दे विच कोई अंतर नहीं मिलूगा। आपां देख रहे हां अमीबा, ठीक है जी। इन्दे च स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सैल मैम्ब्रेन है, उन्दे अंदर एक्टोप्लाज्म है, ते बिल्कुल सेंटर दे विच अपने कोले एंडोप्लाज्म पाया जांदा। अमीबा दे विच मेन तीन पार्ट्स पाए जांदे ने, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सैल मैम्ब्रेन, या सैल मैम्ब्रेन नू आपां प्लाज्मा लैमा भी कह दिंदे हां। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਮਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਨ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੁੱਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਵਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग वाटर। ते प्लाज्मा लैमा दे नाल मटीरियल प्रोटोप्लाज्म तो सराउंडिंग वाटर ते सराउंडिंग वाटर तो प्रोटोप्लाज्म च एक्सचेंज हुंदा है। जिवें कि आपां डायग्राम च देख सकते हैं कि एक पार्ट दिखाया होया अमीबा दा, स्यूडोपोडिया नजर आ रहा आपां नूं, ठीक है जी। ये प्लाज्मा लैमा, ते प्लाज्मा लैमा विद माइक्रोविलाई शो हो रही है। ਇਹ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਇਨਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਟੂ ਰੀਜਨਸ ਨੇ, ਆਊਟਰ ਐਕਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਨਰ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5 ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।